प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति जो है कट ऑफ कैसे बनाती है, कैसे मेरिट लिस्ट जारी करती है और उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके तहत जो है वो लोग मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि नवोदय विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग बहुत सारे वीडियो भी देख रहे होंगे कि जो कट ऑफ को लेकर बना गया है कि वो कोई कैसा कह रहा होगा कि 75% अगर आप 75 नंबर पाए हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई कहेगा 80 क्वेश्चन किए हैं तो सिलेक्शन मिल जाएगा, या कुछ लोग कह रहे होंगे 72 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फर्जी हैं, ठीक है बच्चों, ये पूरी तरीके से गलत है। नवोदय विद्यालय किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ जारी नहीं करता है और जब भी नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आता है तो उसमें किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट का कोई भी मार्क जो है वो नहीं बताया जाता है कि कौन सा बच्चा कितना नंबर पाया, और ना ही जो है जो बच्चे डिसक्वालीफाई हुए हैं उनका भी कोई भी नंबर नहीं बताया जाता है। किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई नंबर नहीं बताया जाता है। नवोदय विद्यालय में जब भी रिजल्ट आता है तो केवल 80 स्टूडेंट जो सेलेक्टेड होते हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है जिसमें उनका रोल नंबर या उनका नाम लिखा होता है। इसके अलावा कभी कुछ भी जारी नहीं करता नवोदय विद्यालय, तो इस वजह से कट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि नवोदय विद्यालय समिति ऐसा करता क्यों है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर नवोदय विद्यालय ऐसा कर रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला सबसे पहले जो कट ऑफ जारी किया जाता है उसमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नवोदय विद्यालय को पूरे डिस्ट्रिक्ट से अब क्रीम स्टूडेंट को लेने होते हैं। क्रीम स्टूडेंट यानी कि जो बेहतर स्टूडेंट हैं, और वो ज़िले के कोने कोने से होने चाहिए। अब सोचिए कि अगर मान लिया कोई ब्लॉक बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सपोज करिए वहाँ के बच्चे सब पढ़ने में अच्छे हैं और 80 स्टूडेंट जो सबसे अच्छे नंबर पाए अगर देखा जाए ऊपर से छांटना हो, तो सारे के सारे सपोज करिए एक या दो ब्लॉक से मिल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि एक या दो ब्लॉक से ही सारे बच्चों का सिलेक्शन ले लिया जाएगा और बाकी ब्लॉक से छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, अगर मान लिया कि कोई ब्लॉक ए है और ए में कुल 10 बच्चों का सिलेक्शन लेना है, सपोज करिए कुल 10 बच्चों का सिलेक्शन लेना है उनको, और उसमें मिनिमम मार्क्स जो पाया है 10 में 10 सेलेक्ट किए गए और 10 में से मिनिमम मार्क्स कोई 73 पाया है, वहीं पर एक बी ब्लॉक है जो थोड़ा सा पिछड़ा है और वहाँ पर कोई बच्चा जो मतलब देखा गया वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर जो पाया है वो 70 नंबर पाया है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से सारे के 10 के 10 स्टूडेंट यहीं से सेलेक्ट कर लिया जाएंगे और यहाँ के वालों को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनकी मेरिट लो है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है कि यहाँ से जो है यहाँ से भी ये जो होता है यहाँ से सपोज करिए ये नंबर ज़्यादा पाए हैं यहाँ पे बच्चे, तो 10 में से पता चले 6 बच्चे यहाँ से ले लिए जाएंगे। जहाँ की मेरिट अच्छी होती है वहाँ से बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जहाँ की मेरिट लो होती है वहाँ से भी 4 बच्चों को ले ही लिया जाएगा 10 में से, क्योंकि क्या है इनको ये जो 70 नंबर पाया है अपने ब्लॉक में तो वो टॉपर है ना, अपने ब्लॉक में वो क्रीम स्टूडेंट है, और इसी वजह से जो है इन सारे बच्चों को जो है सिलेक्शन ले लिया जाता है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिए, अगर मान लिया जो है मेरिट लिस्ट जारी करता अगर नवोदय विद्यालय, तो जो कोई बच्चा अगर मान लिया वो 75 पाया है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो अगड़े ब्लॉक में से था और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 78 पाए थे, तो 78 वालों का वहाँ से ले लिया गया, 75 वाले को छाड़ दिया गया। पिछड़े ब्लॉक में कोई बच्चा है वहाँ पे वो 72 पाकर ही सेलेक्ट है या 65 पाकर ही सेलेक्ट है, तो ऐसे में जो है क्या ये जो है तुरंत कंप्लेन करेगा, ये कोर्ट जा सकता है कि सर मैं 75 नंबर पाया हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वहीं पर 72 वाले को सिलेक्शन दे दिया गया। इसकी वजह से जो है कोई किसी भी प्रकार का नवोदय विद्यालय समिति मेरिट लिस्ट नहीं जारी करती है। तो आप लोग अगर इस प्रकार का कोई कट ऑफ बता रहा है कि इतना आएगा उतना जाएगा, तो इसके चक्कर में ना पड़िए, ये पूरी तरीके से झूठ है, ठीक है बच्चों। मैं स्वयं भी नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और मैं 2003 से नवोदय विद्यालय से जुड़ा हूँ, और मैंने कई बार जो है इस फॉर्म में सबमिशन में या फिर फॉर्म के छटनी में ऐसे कई जगहों पर मैंने काम भी किया, मेरी ड्यूटी भी लगी है, और फिलहाल मैं अभी अध्यापक हूँ प्राइमरी में। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ जारी किया जाता है ये कट ऑफ कई सारे बेसिस को रखे जाते हैं। जैसे मान लिया उनको हर ब्लॉक से स्टूडेंट लिए जाने हैं, तो हर ब्लॉक से वो क्रीम स्टूडेंट को लेते हैं चाहे उनके नंबर कम ही क्यों ना हो। अगर मान लिया किसी ब्लॉक में 70 वाला बच्चा टॉपर है
और एक अगड़े ब्लॉक में कोई 78 वाला टापर है, तो यहाँ से तीन चार बच्चे उठा लिए जाएंगे और यहाँ से भी तीन चार बच्चे उठा लिए जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे 69 वाला ही सेलेक्ट हो जाए, 68 वाला भी सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरिट गिरेगी, तो मान लिया 75 तक जाते जाते तीन स्टूडेंट मिल जाते हैं या 78 पे ही मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है सिलेक्शन लेना होता है उनको। तो एक बात तो ये है कि हर ब्लॉक से उनको बच्चे लेने होते हैं, तो इस वजह से मेरिट जो है कहीं की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है। अब आप लोग एक सोच रहे होंगे कि क्या हर ब्लॉक में जो है सीटें फिक्स हैं, क्या हर ब्लॉक से स्टूडेंट का कंपलसरी है लेना, हर ब्लॉक से मान लिया कितने स्टूडेंट जाएंगे या क्या तय है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर ब्लॉक से स्टूडेंट तय नहीं है। अगर मान लिया सपोज करिए किसी ब्लॉक से जो है किसी कोई ए ब्लॉक है और यहाँ से बच्चे जो है ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, इनकी मेरिट अच्छी है, 70+ है सबकी, और जो भी हमको लेने हैं बाकी कुछ बच्चे मान लिया, और अगर कोई बी ब्लॉक है यहाँ पे सबसे अच्छा जो स्टूडेंट है उसके 65 मार्क्स हैं, तो क्या नवोदय ये इनको ले लेगा? तो ऐसा नहीं करेगा। नवोदय भी जो है क्रीम स्टूडेंट, मतलब क्रीम स्टूडेंट, इट डजेंट मीन्स कि जो है अगर कोई गधा बच्चा है तो वो बहुत मतलब पिछड़े ब्लॉक से है तो उसका सिलेक्शन ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे केसेज में नवोदय जो है इनको छोड़ भी देता है। तो अच्छे स्टूडेंट मतलब उनको देखना होता है, कई सारी क्राइटेरिया होती है, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ रखा है, नवोदय विद्यालय जो है कई सारी चीज़ों को लेकर मतलब मेरिट बनाता है, जैसे कि रीजनिंग। नवोदय विद्यालय का जो आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 6 का जो पेपर होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका उद्देश्य किसी बच्चे के टैलेंट को नापना नहीं है। नवोदय विद्यालय आईक्यू टेस्ट करता है, बच्चे का आईक्यू टेस्ट करता है। पेपर का जो पैटर्न है वो आईक्यू टेस्ट करने के लिए होता है। जैसे रीजनिंग के कुल 40 क्वेश्चन दिए होते हैं और वो 40 के 40 क्वेश्चन जो है रीजनिंग मतलब कि आईक्यू बेस्ड है, उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि उनको कुछ याद करके पहले से जाना है उसके बाद में वहाँ करना है, कुछ भी याद करके नहीं जाना है। अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो उसको 10 क्वेश्चन भी पढ़ा है तो वो हल करके आएगा। तो इस तरीके से जो है, इसी तरीके से आप देख लीजिए 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के होते हैं, हिंदी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो भी उसके भी आंसर उसी गद्यांश में ऑलरेडी होते हैं, कहीं अलग से उसको याद करके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैथमेटिक्स के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जो है आपके रीजनिंग बेस्ड होते हैं, वो भी जो है आपको मतलब आसानी से हल होने वाले क्वेश्चन होते हैं। खैर मान लिया मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, अगर कुछ बच्चे मानते हैं ऐसा तो टफ होते हैं, फिर भी रीजनिंग का जो है नवोदय विद्यालय ने ये काम कर रखा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा मान लिया एक बच्चा किसी दोनों पिछड़े ब्लॉक हैं, सपोज करिए ए एक पिछड़ा ब्लॉक है बी भी एक पिछड़ा ब्लॉक है और दोनों जगहों से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना है, सपोज करिए एक बच्चे का सिलेक्शन, एक सिंगल स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है सपोज करिए, और यहाँ पे जो एक बच्चा पाया है 75 नंबर और यहाँ पे एक बच्चा पाया है 70 नंबर, दोनों पिछड़े ब्लॉक हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 75 वाले का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि 75 वाले का, अब ये मान लिया 75 है या 70 है, तो इसमें एक चीज़ और भी देखा जाता है कि इसने 75 में रीजनिंग में कितने सही किए, अब देख लीजिए सपोज करिए रीजनिंग में इन्होंने 35 सही किया और वहीं पे हिंदी में कुल मिला के इन्होंने 20 सही किया और गणित में भी 20 सही कर दिया, ये जो 75 नंबर पाया यानी बेस्ट स्टूडेंट है, वहीं पे एक बच्चा ये है, और सपोज करिए इसने रीजनिंग में कितना सेलेक्ट किया, दूसरे वाले ने रीजनिंग में 40 में 40 सेलेक्ट किया, हिंदी में 20 में 20 सेलेक्ट किया, मतलब सही किया ठीक है, और गणित में उसके सपोज करिए 10 सही हुए। तो चांसेस बनते हैं कि उस इसका सिलेक्शन पहले होगा, यानी जो 70 नंबर पाया है उसका सिलेक्शन पहले होगा इन कंपेरिजन 75 नंबर वाले के, क्योंकि उसने रीजनिंग में 40 में 40 सही किए हैं। और नवोदय विद्यालय समिति ये मानती है कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू बेस्ट है तो उसको जो है वो पढ़ा सकते हैं, यानी उनके पास संसाधन या टीचर्स अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे के आईक्यू बेटर है यानी रीजनिंग उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है तो उसका सिलेक्शन पहले लेते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से उनका सिलेक्शन, अगर मान लिया ज़्यादा नंबर पाकर भी कोई बच्चा डिसक्वालीफाई हो सकता है, कम नंबर पाकर भी कोई बच्चा सेलेक्ट हो सकता है,
लेकिन क्या मतलब कि मैथमेटिक्स में वो चाहे जितना करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में मिनिमम 9 मार्क्स का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम 9 नंबर तो पाए ही पाए। अगर कोई बच्चा 9 से कम पाता है तो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे वो 40 में 40 इधर किया हो, 20 में 20 इधर किया हो, 60+69 हो गया हो। नवोदय विद्यालय को में भी जो है 65 पे सिलेक्शन लेना पड़े, लेकिन वो इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं लेगा जो मैथमेटिक्स में 9 से कम नंबर पाया है। तो ये चीज़ ये होती है क्राइटेरिया जो है, मतलब इस तरीके से मेरिट बनती है। नवोदय विद्यालय में एक बात और जान लीजिए, कुल 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है? 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और 80 में से 28 लड़कियां होती हैं और 52 बॉयज होते हैं, ठीक है। और ये जो है रिजर्वेशन, ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी अलग थलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई बच्ची बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो बॉयज का सीट ले लेगी, या कोई बॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो गर्ल्स का सीट ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स गर्ल्स वाली सीट में फाइट करती है, बॉयज बॉयज वाली सीट में फाइट करते हैं, कोई किसी का सीट नहीं ले सकता है। और इसी तरीके से नवोदय के हर क्लास में 28 लड़कियां होती हैं, 28 गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं और बॉयज होते हैं 52। हर क्लास में आप देखेंगे ये संख्या बराबर होती है, 52 बॉयज और 28 गर्ल्स। 2 सेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में हर क्लास में, और एक क्लास में बैठते हैं 40 स्टूडेंट और दूसरे क्लास में भी 40 स्टूडेंट बैठते हैं। 40 में से 14 लड़कियां बैठती हैं और इधर भी 14 लड़कियां बैठती हैं, क्योंकि टोटल 28 है तो 14 एक क्लास में जाएंगे, 14 दूसरे क्लास में जाएंगे। जब भी वो क्या कहते हैं जो सेक्शन बनता है, सेक्शन में भी कोई तेज बच्चा या कमज़ोर बच्चा ऐसा करके सेक्शन नहीं बनाया जाता है, टोटल सारे स्टूडेंट को मिला के बराबर बांट दिया जाता है। ये नहीं कि जो है सेक्शन ए में अच्छे बच्चे होंगे कि सेक्शन बी में थोड़े से कमज़ोर बच्चे होंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये रिजर्वेशन, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज़ है। देखिए सपोज करिए कि कभी जो है हम दो बच्चे का जो है सेम मेरिट आ गया, सेम मेरिट आ गया, तो उन्हें एक बच्चे का सिलेक्शन लेना है और एक बच्चा अगड़े ब्लॉक से है, यानी कि विकसित शहर के क्षेत्र से लगा हुआ ब्लॉक से है, और दूसरा बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है, तो जो ग्रामीण परिवेश का ब्लॉक है वो बच्चे का प्राथमिकता दी जाएगी, उसका सिलेक्शन होगा, और जो बच्चा शहरी क्षेत्र से है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मत सोचिए कि ये मैंने 70 लिख दिया तो 70 पर सिलेक्शन हो रहा है, 80 लिख दूंगा तो 80 पर होगा। ये किसी बच्चे का 65 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, 78 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, 75 पे भी सिलेक्शन रुक सकता है, 70 पे भी उसका सिलेक्शन रुक सकता है। तो पता नहीं कौन से भाग्यशाली बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दे दिया है वो दे दिया है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें और जो है पूरी तरीके से आप आश्वस्त रहें, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है और किसी का सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग ये मेरिट में मत जाए कि अगर किसी ने मेरिट में बता रहा है, कोई मान लिया वीडियो है जिस किसी ने बताया हो कि 72 नंबर से कम वाले जो है सेलेक्ट नहीं होंगे, तो आप इसी समय निराश हो जाए कि 72 से कम पे सिलेक्शन नहीं होना, बट कि ऐसा होता ही नहीं है। 72-75 जैसा कुछ है ही नहीं नवोदय में, किसी भी स्टूडेंट का मेरिट नहीं बताया जाता है। और आप लोग जान लीजिए जो बच्चे सेलेक्ट होंगे जाहिर सी बात है उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैं स्वयं नवोदय से पढ़ा हूं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जब हम लोग नवोदय में पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि हम लोग सरकारी दामाद हैं। सरकारी दामाद क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएँ दी जाती हैं जैसे एक दामाद की इज्जत होती है, बिल्कुल वैसे ही होती है। नवोदय विद्यालय समिति आप लोगों के, अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो आपके नखरे भी उठाएगा, आप लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, इवन आप कुछ भी फरमाइश कर सकते हैं उसका वो जो है ला के दिया जाएगा आपको। इट डजंट मीन्स कि आप कुछ भी, मतलब कि कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित या खाने पीने से संबंधित अगर आपने कोई मतलब कंसर्न उठाया है तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। अगर सपोज करिए हर महीने वहाँ नवोदय विद्यालय में एक मेस मीटिंग होती है और उस मेस मीटिंग में स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इस महीने आप लोग क्या खाएंगे, तो एक महीने तक जो है वो मेनू बन जाता है। पर क्या मतलब, अगर एक महीने के लिए बन गया, बीच में आप लोगों का कुछ खाने का मन किया, तो अगर 10-20-50 स्टूडेंट मिल के जाके कहते हैं प्रिंसिपल से कि सर मुझे अभी जलेबी खाना है या कुछ भी खाना है, आप लोग पकौड़ा के लिए आदेश कर सकते हैं कि सर हम लोगों को पकौड़ा खाना है, तो वो जो है ऐसा नहीं है कि उसके एक महीना वेट किया जाएगा, वो आप लोगों को अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर व्यवस्था करके आप लोगों को खिलाया जाएगा।
तो वो उसके लिए अलग से बजट होता है। नवोदय नवोदय में एक चीज़ आप जान लीजिए, पूरा बजट, एक साल का पूरा बजट एक ही बार में आ जाता है। पूरा बजट कुल जो है, जो कंप्लीट बजट होता है नवोदय का, वो एक ही बार में आ जाता है। और उसको कैसे खर्च करना है इसके लिए जो है बकायदा अकाउंट के जो है बहुत सारे जो जानकार होते हैं, वो एक पूरी टीम भेजी जाती है जो प्रिंसिपल को असिस्ट करते हैं कि आप अपने पूरे पैसे को कैसे खर्च करें ताकि साल भर आपका पूरा अच्छे से चल जाए। जब मैं 2003 में नवोदय में गया था, 2003 में मैं कक्षा 5 में नवोदय में गया था, उस समय करीब 2 लाख रुपये हम लोगों को केवल मिठाई खाने के लिए साल भर के लिए दिया जाता था। और वो 2 लाख रुपए हम लोग चाहे तो एक सप्ताह लगातार मिठाई खा के ख़त्म कर दें, या साल में कभी कभार स्पेशल ओकेजन पे खा खा के ख़त्म करें, तो या जब भी मन करेगा, अब 10-20-50 स्टूडेंट जाके बोलेंगे सर मिठाई खाना है, तो आप लोगों को मिठाई प्रोवाइड कराई जाएगी। जब आप शुरू में नवोदय में जाते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएँ, जैसे आपको गद्दा बिछौना, सॉरी गद्दा है और रजाई, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो दी जाती हैं, पहले ही दिन दे दी जाती हैं। आप लोगों को नवोदय में सेलेक्ट होने के पे क्या क्या लेके जाना है इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नवोदय में सेलेक्ट होते हैं तो मैं आपका सीनियर होऊंगा और इस तरीके से मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो जाहिर तौर से आप लोग हमसे जुड़ें और सीखें। एक और बात आप लोग को बताना चाहिए, अगर आप लोग नवोदय में सेलेक्ट होते हैं तो नवोदय से पढ़े हुए सारे बच्चे आपसे जुड़ेंगे, और एक एक बाकायदा से एक बहुत बड़ा ग्रुप है नवोदय में, जो करीब 4-5 लाख स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप से फेसबुक पे है, उससे आप भी जुड़ जाएं। उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं नवोदय से पढ़े हुए, और वो आपको एक भाई मानते हुए आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी नवोदय में सेलेक्ट होता है तो काफ़ी अच्छा होगा, और जाहिर तौर पर उसकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं, और इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों।